आज हम बनाने जा रहे हैं छोटी सी भूख के लिए बड़ा सा नाश्ता, जो कि वो बच्चों को भी पसंद आता है और वो बड़ों को भी पसंद आता है। वो जो हम नाश्ता बना रहे हैं उसके लिए, उसका नाम जो है वो है बिस्किट सैंडविच। बिस्किट सैंडविच के लिए जो सामग्री लगती है वो है, बिस्किट सैंडविच के लिए मैंने 2 आलू इसे बॉईल कर लिया है, उसे मैश कर दिया है। ये मोनाको बिस्किट, सेव, प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर और नमक। ये लाल चटनी लहसुन की और ये टोमेटो सॉस। अभी हम आलू को एक मोटे बड़े वाले बाउल में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें वो प्याज और वो सब मिक्स करना है। हमने पहले से ही आलू को मैश कर लिया है। अभी एक छोटा मैंने प्याज लिया था, उसे बारीक बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे। 2 हरी मिर्च, रोस्टेड जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक। इन सब सामग्रियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो हरी मिर्च भी बढ़ा सकते हो। अभी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, जो भी हमने सामग्री डाली थी वो हमने मिक्स कर लिया। अभी इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं, क्योंकि हमारे बिस्किट की साइज़ बहुत छोटी है, इसी हिसाब से हमें गोले बनाने हैं ताकि हमें सैंडविच बनाने में आसानी हो। अभी इस तरह से हमने पहले ही तैयारी करके रखी है, छोटे छोटे गोले बना दिए हैं। अभी हम एक बिस्किट लेंगे, ये सेव को साइड पे करेंगे, पहले टमाटर सॉस और लहसुन की चटनी वो दोनों पास में रखेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से हम लगा देंगे। एक बिस्किट को इस तरह से लगाया है तो दूसरे बिस्किट को हम टोमेटो सॉस लगाएंगे इस तरह से। वापस दूसरे को कर लेते हैं, हम इसे 2 बना लेते हैं पहले। चटनी लगा दी, अभी टोमेटो सॉस लगाएंगे। धीरे से लगाना है क्योंकि ये बिस्किट टूट जाएगा। इस तरह से अभी जो हमने आलू का गोला बनाया था उसे थोड़ा चपटा करेंगे, इस तरह से सेव देंगे उसे और इस पे रखेंगे। दूसरा गोला लेंगे, उसे थोड़ा सा चपटा करेंगे, उसे उस पे रखेंगे। और जो हमने टोमेटो सॉस का जो बनाया था वो एक बिस्किट का लेयर इस पे लगाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। जो सीधा वाला भाग है आप देख सकते हैं, वो मैंने ऊपर रखा है इस तरह से। अभी दूसरे को भी सेम हम प्रोसीजर करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे, इस तरह से। तो पहला वाला जो था उसे हम सेव में डिप करेंगे, आपको मैं पास इसे सेव में वापस डिप करेंगे। इस तरह से बना लेते हैं, अभी दूसरे भी हम बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे बिस्किट सैंडविच तैयार हो गए हैं, अभी हम सर्व कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बढ़िया से बन गए हैं, खाने में बहुत बढ़िया से लगते हैं।
ऊपर से टोमेटो सॉस डालेंगे। थोड़ी से बिस्किट सैंडविच हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स। बिस्किट सैंडविच बनाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और बिस्किट सैंडविच जरूर बताइए इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।